अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। मेरे चैनल ब्यूटी इन पॉकेट पे सबका दिल कब से वेलकम है। तो व्यूअर्स, मैंने आज एक ऐसा ज़बरदस्त टोटका आपके साथ शेयर करना है आपके हाथों के लिए, कि अगर आपकी सांवली रंगत है, आपके हाथ काले हैं, तो आपकी स्किन मिनटों में गोरी हो जाएगी। आपकी स्किन को मज़ीद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ आप अपने हाथों को, अपने पैरों को चमका सकते हैं। ये फार्मूला आपके चेहरे के लिए हरगिज़ नहीं है, जस्ट आपके हाथों और पैरों के लिए है। आपकी स्किन जैसी भी क्यों ना हो, आपकी स्किन इंशाल्लाह ग्लो करेगी, साफ़ हो जाएगी। कुछ दफ़ा ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, दिन में आपने 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है, 15 दिन के अंदर अंदर आपके हाथ पाँव चिट्टे गोरे हो जाएंगे, गारंटेड है, ठीक है। तो ये एक छप्पड़ फाड़ फार्मूला है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चीज़ चाहिए वो है एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल ले लेनी है आपने, किसी भी ब्रांड के ले लीजिए, 1 चम्मच के करीब। सेकंड चीज़, आपने 1 चम्मच भर के इसके अंदर मसूर की दाल का पाउडर बना के आपने इसमें ऐड कर लेना है। तीसरी चीज़, आपने इसके अंदर 1 चम्मच दही का ऐड कर लेना है। 1/2 चम्मच आपने इसमें बलाई ऐड करनी है। बलाई उनके लिए है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको इसके अंदर ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चंद कतरे इसके अंदर जाएंगे लेमन ग्रीन, थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर ग्लिसरीन, और लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा मीठा सोडा, ठीक है। 2 से 3 चुटकियाँ आपने इसके अंदर मीठे सोडे की डालकर इन सबको अच्छे तरीके के साथ कर लेना है मिक्स। देखिए ये कुछ इस तरीके से फूलेगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको फूलने देना है, ठीक है। तो जैसे ये फूल रहा है, इसी तरह से ये आपके हाथों पैरों के ऊपर से ऐसे ये मैल कुचैल को उतारेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा गोरा कर देगा, ठीक है। चंद सेकंड्स आपने इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना है ताकि अच्छी तरह से फूल जाए, ठीक है। और फूलने के बाद आपने इसका थोड़ा सा पेस्ट लेना है और अपने हाथों और पाँव के ऊपर इसको करना है स्क्रब। लेमन डालने से स्किन आपकी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, क्योंकि हम इसके साथ बलाई भी ऐड कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने। मैं आपको इसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। मैं गारंटीड लिख के दे सकती हूँ कि इसके साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, आपकी स्किन साफ़ होगी। ये जो हिस्से आपकी स्किन के यहाँ से ब्लैक हैं, ये वाइट हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। बहुत क्लियरली आपने यहाँ से इसकी क्लिनजिंग करी। व्यूवर्स, मैं फिर कह रही हूँ कि आपने इसको जस्ट अपने हाथों और पैरों पर स्क्रब करना है, अपनी बॉडी पे कर सकते हैं, अपने फेस पर नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ देर ऐसे मसाज करने के बाद आप अपने हाथों को आम पानी के साथ वॉश कर लीजिए। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने जस्ट इसको कुछ देर ही स्क्रब किया है और इसके साथ मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है, ठीक है। मेरी स्किन आपको शाइन नज़र आ रही होगी। मैंने जस्ट इसको साफ़ आम सादा पानी से जस्ट वॉश किया और मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इस एक मरतबा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी स्किन शाइन करेगी, ग्लो करेगी, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा शाइन एंड ग्लो आएगी। आप इस अमल को ज़रूर कीजिए, ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और काइंडली जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट मज़ेदार अमेजिंग। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।